नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपके अपने चैनल अनबॉक्सिंग फैक्ट्स को। और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं सुपर HD मिनी गेम बॉक्स। वैसे तो इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज हम इस वीडियो में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, जिसका नाम है बॉक्स क्वालिटी और उस पर दी गई डिटेल्स। तो अब मैं आपको बॉक्स क्वालिटी बता देता हूँ। इसकी बॉक्स क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी प्रीमियम लुक देती है। अब मैं आपको बॉक्स पे दी गई डिटेल्स अपने शब्दों पे शेयर कर देता हूँ। इसमें ऊपर सुपर HD मिनी गेम बॉक्स लिखा हुआ है, जो कि इस कंसोल का नाम है। और इसमें HDMI पोर्ट के साथ आता है। यह 660 बिल्ट इन क्लासिक गेम्स के साथ आता है। इसमें लिखा हुआ है ये नॉन रिपीटेबल है। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमको इसके अंदर से क्या क्या देखने को मिलता है। इसके अंदर से एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलती है। इसके अंदर से एक USB 2 माइक्रो केबल देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से ये बहुत छोटी है, 2 से 2.5 फिट की होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी ये। चलिए बात करते हैं मिनी गेम बॉक्स की। तो ये मिनी गेम बॉक्स है, इसमें एक ये HDMI का पोर्ट देखने को मिल जाता है। ये गोल्ड प्लेटेड है, मतलब इसमें कभी जंग नहीं लगेगी। और इस साइड यहाँ पे एक USB 2 माइक्रो जैक दिया हुआ है। इस जैक को आपको TV से या मोबाइल के चार्जर से आपको पावर देना होगा। इसके रिमोट की बात करें तो यह 2 वायरलेस रिमोट के साथ आता है। इसके रिमोट 2.4 GHz की वायरलेस फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। इसके रिमोट में आपको 2 AAA की बैटरी लगाना होगी, जो आपको मार्केट से अलग खरीदना होगी। मेरा सजेशन है आप ड्यूरासेल की बैटरी ही यूज़ करें, जिससे आप नॉनस्टॉप इसका आनंद ले पाएंगे। दोस्तों, रिमोट की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो रिमोट की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इसमें डायरेक्शन बटन्स के अलावा फंक्शनल बटन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सिलेक्ट और स्टार्ट बटन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको गेम्स की लिस्ट वापस लाना चाहते हैं, तो आपको सिलेक्ट और स्टार्ट बटन्स को दोनों को एक साथ दबाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके सेटअप की जानकारी दे देता हूँ। आपको ये केबल, यहाँ पर इसे कनेक्ट करनी होगी। और ये वाला HDMI पोर्ट आपको आपके TV में कनेक्ट करना होगा। और ये USB पोर्ट अगर आपके TV में है, तो आप उसको TV से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आपके मोबाइल के चार्जर से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसके कंसोल की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यह बहुत ही छोटा सा डिवाइस है, मैं आपको दिखा चुका हूँ अनबॉक्सिंग के टाइम पे। अपने आप में यह काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। जैसा कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं आती है, तो मैं इसके बारे में कुछ सेफ्टी टिप्स आपको देना चाहता हूँ। ऑन पोजीशन में आप इस गेम बॉक्स को TV से रिमूव ना करें। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो TV और पावर ऑफ करके ही आप इसको रिमूव करें। यदि आप USB चार्जर का यूज़ करते हैं, तो वह 5V 1 एम्पियर का ही होना चाहिए। रिमोट की सेफ्टी टिप की बात करें तो रिमोट में आप एल्केलाइन बैटरी या ड्यूरेसेल का ही यूज़ करें, क्योंकि लोकल बैटरीज एसिड लीक करती है। अगर ऐसा हुआ तो आपके रिमोट की स्प्रिंग्स ख़राब हो जाएंगी। प्राइस की बात करें तो यह ऑनलाइन 2000 रुपये में मिलता है, और मैंने इसे बहुत ही कम प्राइस में लोकल मार्केट से ख़रीदा है। और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में सेलर की लिंक और सेलर की डिटेल्स ड्रॉप कर दूँगा, वहाँ से जाके इसे ख़रीद पाएंगे। दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, केवल सीरियस बायर ही सेलर को कॉल करें या व्हाट्सएप करें। यदि आप इसे ऑलरेडी ख़रीद चुके हैं और अगर आपको कोई समस्या आ रही है, तो आप सेलर को बिल्कुल कॉल ना करें।
आप कमेंट करें, मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपकी कमेंट पे रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब बात करते हैं इसे ख़रीदना चाहिए या नहीं। यदि आपका बजट 1500 से 2000 का है तो आपको इसे ज़रूर ख़रीदना चाहिए, यह वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। यदि आपको बजट की प्रॉब्लम नहीं है और आपको क्लासिक गेम्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं है तो आपको प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स की ओर जाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यह दो लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश और चाइनीज़, तो चलिए हम इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब आपके सामने 6 कैटेगरीज आ गई है, तो चलिए सबसे पहले हम एक्शन गेम्स को देख लेते हैं। एक्शन गेम्स में आपको 43 गेम्स देखने को मिल जाते हैं। मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप एक्शन गेम्स की लिस्ट देख लीजिए। एक्शन गेम्स के बाद आता है शूटिंग वाले गेम्स, तो चलिए हम शूटिंग वाले गेम्स को भी देख लेते हैं। इसमें टोटल 90 गेम्स है, मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लिस्ट देख लीजिए। दोस्तों शूटिंग गेम्स की लिस्ट खत्म हो गई है। अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पर, जो कि है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आपको 36 गेम्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, जो कि है फाइटिंग। तो फाइटिंग में आपको टोटल 26 गेम्स देखने को मिल जाते हैं। मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लिस्ट देख लीजिए। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है रेसिंग। रेसिंग में भी 26 गेम्स ही हैं जितने फाइटिंग में थे। बढ़ते हैं हमारी सबसे लास्ट कैटेगरी की ओर, जो कि पजल्स है। तो पजल की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा गेम्स है सब कैटेगरी के मुकाबले। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइए आपको कौन सी कैटेगरी पसंद है।
वीडियो में बने रहें। गेम लिस्ट ख़त्म होने के बाद मैं आपको इसकी ग्राफिक क्वालिटी चेक कराने के लिए एक गेम भी चलाकर दिखाऊंगा, और उसे हम ऑडियो वीडियो वाले एक्सट्रीम मिनी गेम बॉक्स से भी कंपेयर करेंगे। यदि आपने मिनी गेम बॉक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसकी लिंक आपको दिख रही होगी, आप लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। काफ़ी व्यूअर्स मेरी वीडियोस को तो देखते हैं पर उसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर अनबॉक्सिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट आपको आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। हम एक ब्लूटूथ स्पीकर के गिव अवे का प्लान कर रहे हैं। वह स्पीकर दुनिया का सबसे छोटा स्पीकर है पर उसकी वॉइस सबसे ज़्यादा है। अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें। यूज़र मैनुअल कहाँ गई?